हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी एक वैकेंसी फरवरी में आई थी यूपीएसआई की। यूपीएसआई इसका क्या है, अब एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जो हमारा एग्ज़ाम है वो आपका 20 अक्टूबर से, आपका कब से एग्ज़ाम है, इसका जो आपका एग्ज़ाम है ये आपका 20 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और जो ये एग्ज़ाम है ये टोटल आपके 14 नवंबर तक चलेंगे। और अब हम देखें कि अगर आज की डेट से हम देखा जाए तो आज की डेट से हमारे पास सिर्फ 30 दिन बच रहे हैं, तो इस 30 दिन में हम कैसे तैयारी करें और क्या सिलेबस में पढ़ें, तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक देखते रहिएगा जिससे आपको ये पता चल सके कि अब लास्ट टाइम में जो लास्ट 30 दिन बच रहे हैं हमारे 30 डेज, इन 30 डेज में हम कैसे तैयारी करें और क्या क्या चीज़ें पहले कवर करें और क्या चीज़ बाद में और किस चीज़ को कितनी बार पढ़ें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो वीडियो है, तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि हमारी देखिए जो वैकेंसी है टोटल जर्नल की आपकी 3613 है, आपकी ईडब्ल्यूएस की 902 है और ओबीसी की 2437 है और आपकी अनुसूचित जाति की 1895 है और अनुसूचित जनजाति की 180 है। तो टोटल आपकी इतनी 9027 पोस्ट है टोटल। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो इम्पोर्टेंट सिलेबस था वो उसके बारे में देखते हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, तो वो सारा हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से आखिरी तक देखिएगा। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारा क्या है, टोटल आपके 4 टॉपिक आएंगे इस पूरे पेपर में और ये जो आपका है कितने टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके 160 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपका इस हिसाब से देखिए हिंदी में आपके कितने 40 क्वेश्चन आएंगे और आपका ये मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान में भी 40 क्वेश्चन आएंगे, सांख्यिकी और मानसिक योग्यता परीक्षण में भी 40 क्वेश्चन आएंगे और ये जो मानसिक अभिरुचि परीक्षा है और ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड है इसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके कितने हैं, टोटल ये आपके 160 क्वेश्चन है और 160 क्वेश्चन है और टोटल कितने आपका 400 मार्क्स का है, तो हर में आपका 100 मार्क्स का है और जो इसकी पासिंग मार्क्स है वो आपका कितना 50% पासिंग मार्क्स है, इतना आपको लाना ही होगा। अगर क्यों, और हम ये भी जानते हैं कि जो ये एग्ज़ाम है इसमें बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर रखा है, तो हमें क्या है किस डायरेक्शन में हम अपनी तैयारी करें कि हम अच्छा नंबर स्कोर कर पाए, क्योंकि देखिए हमने भी स्टार्टिंग में देखा था कि हमारी 9027 पोस्ट है सिर्फ यूपीएसआई के लिए, ठीक है, और इसमें कितने लोगों ने भर रखा है, लगभग 15 लाख से अधिक बच्चों ने इस फॉर्म को भर रखा है। तो अब लास्ट जो हमारे 30 दिन बच रहे हैं, इन 30 दिन में हम कैसे तैयारी करें, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम कि कैसे क्या क्या तैयारी करनी है हमें और किस सब्जेक्ट में कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज हम जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे आपका हिंदी के बारे में कि हिंदी में आप क्या चीज़ें पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो हिंदी में क्या है, देखिए आपका सिलेबस क्या है, आपको पहला देखिए ये हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरा हो गया हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जो हिंदी व्याकरण है उसका आपको मौलिक ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या है आपका, देखिए हिंदी वर्णमाला है, तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थ है, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द हो गया, समरूपी विनार्थक शब्द हो गए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना हो गया, लिंग वचन कारक सर्वनाम विश्लेषण क्रिया काल, ये सारी देखिए देखिए प्रत्यक्ष संधि विच्छेद समाज मुहावरे लोकांतिया रस छंद अलंकार, ये जितना भी है ये सारा दिया हुआ है और जो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में जो देखिए टोटल कितने आपके आने हैं, टोटल 40 क्वेश्चन आने हैं हिंदी के, आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और इन 40 क्वेश्चन में आप में क्या है, देखो कोई कोई टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें वो सेलेक्ट करना है कि हमारे दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, जिससे क्या होगा पेपर में हम अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखिए आपका हो गया संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, ये आपके दो दो क्वेश्चन तीन तीन आते हैं, अलंकार हो गया, छंद हो गया, रस हो गया, मुहावरे और लोकंती हो गया, इनके क्या होगा आपका देखिएगा एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के मिलेंगे, ये टॉपिक हो गया ये सारे टॉपिक के दो दो तीन तीन क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। और उसके बाद देख लीजिए आप तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेकार शब्द हो गया और वाक्यों के स्थान पर एक शब्द हो गया, इनके भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल अगर ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं ये सारे, जैसे देखिए ये टॉपिक बताया आपको, ये हो गया, ये चीज़ें हो गई, तो अगर आप ये सारे कर के जाएंगे तो
तो आपके लगभग इन्हीं में से आपके कितने टोटल आपके 20 से 25 क्वेश्चन इन इतने टॉपिक से ही आ जाएंगे। और उसके बाद क्या है आपका एक वो आता है कि एक मतलब आपको आर्टिकल दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि इसके से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप जो वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने ये बताएं, अगर आप ये अभी कर लेते हैं, अभी से स्टार्ट कर देते हैं, तो आप मैक्सिमम 2-3 दिन में, मतलब 10-15 दिनों में आप ये सारे टॉपिक खत्म कर लेंगे और आपके कितने 20-25 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या जो बचा हुआ टॉपिक है आपको वो सारी चीज़ें कवर करनी है, जिससे क्या होगा आपका हिंदी जो है, हिंदी देखिए टोटल आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, हिंदी में हम देखें कि आपके हिंदी में टोटल 40 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो 40 में ऐसा आपका जो रेशियो होना चाहिए वो आपका देखिए आपका कितना होना चाहिए, अगर सेफ स्कोर की बात करें तो आप हिंदी में आप 35 नंबर तक ला सकते हैं 40 में से, बट आप इस हिसाब से जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइम के, क्योंकि टाइम भी कम है बहुत सारा, और क्या है इसमें कि आपका जो एग्ज़ाम है इसके बाद आपका क्या होगा, पहले रिटर्न होना है उसके बाद आपका फिजिकल होना है, तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस हिसाब से क्या है आपको क्या है मैक्सिमम नंबर अचीव करना है। तो जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी बताए हैं वो आप सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए, और जो ये चैनल है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अब हम क्या है डेली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव या MCQ हैं उसका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डेली उसके क्विज चालू होंगे, जो आप वहाँ पे आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आप वहाँ पे क्विज लगाएंगे और आपके मतलब क्विज से क्या होगा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और देखते हैं अब देखिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हिंदी में, देखिए आपको ये चीज़ें करनी है इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा देर में आपको बताऊँगा, इसके लिए आपको क्या अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद देखिए आपको एक जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपको ये देखिए तीसरा, इसमें भी क्या आपके टोटल 40 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। देखिए टोटल 4 टॉपिक दिया हुआ है, 4 में से हर टॉपिक के 40-40 क्वेश्चन आने हैं, तो हमें क्या है सारे टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और जिसमें हम बेस्ट कर सकते हैं उसमें हमें मैक्सिमम नंबर अचीव करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अब हमारी ये आ जाती है देखिए एप्टीट्यूड हो गया आपका, इसे एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, तो जो मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है उन्हें बता देता हूँ, आप उन्हें जरूर से जरूर पढ़िएगा, उससे 2-3 क्वेश्चन तो आ रहे हैं। और जो ये चैनल है इस चैनल में आपको जो भी एग्ज़ाम पहले UPSI के हो चुके हैं उनसे रिलेटेड जो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके हर टॉपिक वाइज से अलग अलग एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या पढ़ना है आपको एप्टीट्यूड में, नंबर सिस्टम पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, डेसिमल एंड फ्रिक्शन पढ़ना है, SCF LCM पढ़ना है आपको, रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एट पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल ग्राफ, अर्थमेटिकल मैंसुरेशन। ये देखिए बहुत ज़्यादा टॉपिक दिया हुआ इन्होंने, बहुत सारा दे दिया है, अगर आप अभी इनको डेली पढ़ना चालू करेंगे तो आपका 10-20-30 दिन ऐसे ही निकल जाएगा और आप इनको पूरा ध्यान से अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको क्या करना है अभी जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उनको अच्छे से करना चालू कर दीजिए। जैसे देखिए आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है एक SCF एक LCM हो गया, ठीक है, फिर आपका एक नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन हो गया, और आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, और आपका ये टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया। इनसे क्या होगा आपके क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं और 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं एक एक टॉपिक से। टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आती ही हैं। तो ये सारी क्या आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप जरूर से जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी क्या है अभी से आप चालू कर दीजिए, आज से ही आपका जितना टाइम निकल गया, बट क्या आप जो बचा हुआ टाइम है उसे अच्छे से यूज़ करके आप उसमें मैक्सिमम चीज़ें अचीव कर लीजिए और मैक्सिमम सही पेपर करेंगे तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। और इसमें देखिए एक और टॉपिक है, मैं क्या है आज क्या है इस शॉर्ट वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बचे हुए आपके जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में बताऊंगा, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट करना है आपको, स्पॉटिंग आउट द डेसिमल, डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, अल्फाबेट से बेस्ड हो गया, वेन डायग्राम हो गया आपका,
टाइम सीक्वेंस टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे आपको पढ़ने, रिलेशनशिप हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई आपकी, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फाबेट हो गया, वेन डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, और टाइम सीक्वेंस टेस्ट ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक टॉपिक मैं और आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी हम और चीज़ें आपको बताएंगे। तो एक ये जो आपका है देखिए संविधान, संविधान से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें भी आपको पढ़ लेनी है। कौन सा पढ़ना है, जैसे आपको मौलिक अधिकार पता होना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व पता होना चाहिए, और मौलिक कर्तव्य ये आपको पता होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही और इसमें से दो तीन आपको मिल जाएंगे। और आपको इसमें बोला जाए कानून बनाने का अधिकार किसमें है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और केंद्र और प्रदेश सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार और संविधान का उद्देश्य, ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से पढ़ना है आपको इसमें, आपका संविधान का उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे, कानून बनाने का अधिकार हो गया, और केंद्र एवं प्रदेशी सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार। तो ये जो सारी चीज़ें अगर आप इतना सारा पढ़ लेते हो जितना मैंने आपको बताया है, तो आपका क्या है देखिए, इतना आप पढ़ लेते हो तो आपका इसी में से आपके कितने 80 से 90 क्वेश्चन आपका इन्हीं में से सारे सही हो जाएंगे। टोटल आपके मतलब 160 में से मैंने जितने टॉपिक आपको बताए हैं इनमें से अगर आप करते हो तो आपके 80 मतलब 50% चीज़ें इन्हीं टॉपिक से आएंगी, और आप इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मैंने बता दिया आपको इम्पोर्टेंट सिलेबस, अब क्या करना है हमें, कैसे तैयारी करनी है। अगर आपको उससे रिलेटेड आपको अगर ये सिलेबस जो है आपको ये तो आपको हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा सिलेबस हो गया, ठीक है। तो अगर क्या है आपको टाइम टेबल बनाना है, आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आप सिलेबस को सबसे पहले रीड करिए, फिर उसका टाइम टेबल बनाइए कि आपको जो ये चार टॉपिक हैं कब किस टॉपिक को आपको कितना और कितना टाइम देना है, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आपको टाइम टेबल नहीं बनाना आ रहा है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा, तो फिर हम आपके लिए टाइम टेबल बना देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, जो हमारा देखिए जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसे क्या है आपको यहाँ पे MCQ मिल जाएगा डेली, आपको हिंदी रीजनिंग मैथ इनसे रिलेटेड आपका, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी यहीं पर मिल जाएगा। और जो ये आपका YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल पे हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे 2011 में हुआ था, फिर 2014 में हुआ, फिर 2016 में हुआ, ये 3 साल में जो पेपर हुए थे इनके जो प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर है उनको हम अलग हिंदी में सारे क्वेश्चन अलग कर देंगे, आपका हिंदी अलग कर देंगे, रीजनिंग अलग कर देंगे, मैथ अलग कर देंगे, ये सारी चीज़ों को अलग अलग करके एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। और अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए और तो हमारे साथ बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।